पूरा जीरो है सर। सेटा था तमे तो तम तू तो कॉइल में 360 आने भी तू 11th में जीरो है या हीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे बोलो। अब जब सर, तुमने 90 मार्क का एग्जाम देंगे सर, 180 कैसे लाएंगे? मैंने 360 90 मार्क का एग्जाम तू अभी मेरे को पाठ पढ़ाएगा ना क्या ये सब चीज में मतलब रस्सी बांध सर, के 12th का अब सर, फिजिक्स इलेवन का सर, मतलब कुहो नहीं। सॉरी आप सर, 360 लाओगे आपने प्रॉमिस किया है तो गला। अभी मेरा टारगेट है हाईएस्ट 240 बस मुझ 240 दे दे गला मोर टेंशन दूर हो जीवो आप गति खुश हो जाएगा बस। चलो नेक्स्ट आप आ जाइए सो नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। अब तो आपको आप वो स्क्रीन देखने का जरूरत नहीं वो तो हो गया आपका सर सो। हाँ सर जब हमारे बॉडी में पहली बार कोई टॉक्सिन आता है, तो फिर उसके अगेंस्ट, मतलब उसके हिसाब से मेमोरी सेल पहली बार रिसेप्टर वैसा कुछ बनाता है क्या, कि अब नहीं बनाओगे तो रिसेप्टर पहले से पहचानोगे प्री कैसे। डिटरमिंड? रिसेप्टर तो नहीं होगा ना आपको बनाना पड़ेगा तो समझ रहे हो। यस तो सर, इस सुनो इसके लिए यही तो मजेदार कंसेप्ट है। तो नाउ फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे आप एटो जैसे गौती का जो एक्टिविटी क्या है वो हर समय चोर जैसा एक्टिविटी करता रहता है वो हर समय कुटुर कुटुर करता है कि नहीं हर समय। ओके तो इसलिए उसको पुलिस पकड़ लिया कि चल अंदर चल। तो कौन चोर है ये दुकान रहा अनुज। तो उस पुलिस को पता था कि गति चोर है ना उसने गैस किया गेस किया तो गैस किया तो क्यों फ्रॉम हिज एक्टिविटीज। तो उसी को तो वो पुलिस को हम लोग क्या कहेंगे उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोला जाता है समझ रहे हो। तो जो सेल्स हमारे एंटीजन को पहचान कराने में मदद करेंगे उनको हम एपीसी बोलते हैं। तो बहुत सारे एपीसी आपका स्पेसिफिक होते हैं माने उसमें आपका रिसेप्टर होगा। तो बी मेमोरी जो ये बी मेमोरी सेल है ये भी एक तरह का एपीसी है बट वो स्पेसिफिक है उसको पता है कि ये पैथोजन है समझ रहे हो। बट अगर पता ना हो तो सो दैट इज ए नॉर्मल एपीसी समझ रहे हो। तो वो कोई नॉर्मल एपीसी है जो उसको पकड़ के लाएगा एंड पहचान कराएगा। तो जैसे ही मामा आपका लेकर गया गौती को कि एंड जो थाने में तो और उसका इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बोलता है सर मुझे लगता है ये चोर है क्योंकि उस दुकान के सामने ऐसा कर रहा था। तो वो कांस्टेबल को अफसर खुश होके बोला ये चोर है हो नहीं सकता है गधा ये चोर है। तो हाउ ही टोल्ड दैट स्टेटमेंट तो उसने कैसे सर बोला उसके था तू पहले चोर। से सर उसका एक्टिविटीज देख कर कि दुकान के पास ऐसे मंडराता अरे रहता है वो तो जो वो हवलदार था सर, कांस्टेबल उसके पास वांटेड लिस्ट पहले में से गति का नाम ही होगा। यस सर। हाँ तो जो पहले जो दो इंस्पेक्टर है वो ऑलरेडी उसको दो चार बार उठा चुका है इसलिए उसको पता है कि ये चोर है। तो ये कौन सा सेल है इंस्पेक्टर कौन सा सेल है मेमोरी सेल्स मेमोरी सेल। एंड ये कौन सा सेल है जो हवलदार एपीसी, एपीसी एनी अदर एपीसी नॉर्मल एपीसी हाँ समझ रहे हो। तो नॉर्मल एपीसी क्या करता है वो इम्यून सिस्टम को दिखाता है आज्ञा ये चोरो आपको बढ़ाओ तो समझ रहे हो। तो वो है एपीसी का काम। तो एपीसी पहचान कराएगा पैथोजन का या एंटीजन का इम्यून सिस्टम को लेकर दिखाएगा एंड फिर इम्यून सिस्टम अपना काम करेगा। तो इसलिए एपीसी में क्या होता है एमएचसी प्रोटीन्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा देर बाद। दैट इज कॉल्ड मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो वो प्रोटीन्स उसमें होगा समझ में। तो इसीलिए तो ये जो एमएचसी स्पेसिफिक भी हो सकता है एंड ये एमएचसी नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो नॉन स्पेसिफिक अगर है तो ये कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स है प्राइमरी प्राइमरी। प्राइमरी
एंड अगर ये स्पेसिफिक है तो कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स है? सेकेंडरी। समझ रहे हो? इसलिए नेवर थिंक कि आप एक पैराग्राफ क्लोनल सिलेक्शन का लिख दोगे एंड बच्चा पूरा पी जीवस हो, तो समझ रहे हो? तो क्लोनल सिलेक्शन एक शब्द नहीं है, क्लोनल सिलेक्शन एक टॉपिक है, एक चैप्टर है। मेरे पास जो इम्यूनोलॉजी बुक्स है उसमें 150-200 पेज सिर्फ क्लोनल सिलेक्शन होता है। ओके, तो ये उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो इसीलिए इस केस में जो हमने देखा, इस केस में हमने दो तरह का एपीसी देखा, एक जो नोन है, एक जो अननोन है। तो जो अननोन वाला अगर आपके बॉडी में है तो आपका प्राइमरी रेस्पॉन्स होगा, एंड जो आपका नोन वाला है आपका वो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होगा। ठीक है जी? जैसे हम लोग कबड्डी मैच खेल रहे हैं, उनका एक स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर है, तो आप जानते हो कि उसको आप गिरा नहीं सकते हो, उसको पूरा तगड़ा बंदा है, वो इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट उसको सेलेस आपको जिता सकता है। क्यों? सेलेस लिंच करता है, लिंचिंग मतलब पैर पकड़ना। तो इसीलिए अब वो पैर पकड़ लेगा तो क्या होगा, अब उसको वो गिर जाएगा, गिरने से तुम सब गिर सकते हो। तो इसीलिए आपका अभी गौती टीम में है, तो विल यू इन्वेस्ट गौती इन द अगेंस्ट हिम या विल यू इन्वेस्ट सेलेस अगेंस्ट हिम? सेलेस। क्यों? क्योंकि आप जानते हो सैलेश उसको गिराया है, 50 बार उसको पीछे हम लोग हरा चुके हैं, किंतु गौती को जी नहीं नहीं मुंह स्ट्रांग अच्छी मुंह तक पिट दी कहीं हमें सैलेश को लगे रहा। तो बट कैप्टन रश्मि क्या बोल रहा है, चुप रहे तू, अपना काम कर, जब सैलेश पकड़ ले तू आज के उसको लपेट ले। ओके, बट वो तुमसे संभलने वाला नहीं है, जो भी हो। तो समझ में आया कि नहीं? तो ये उसका कंसेप्ट है, फाइन। इसीलिए बहुत लोग क्या सोचते हैं मालूम है, मेमोरी सेल अच्छी माने हर चीज के लिए मेमोरी है, गलत। एंड ये बच्चा नहीं, टीचर लोग भी सोचता है। अभी मेरा टीचर क्लास है, ऑल इंडिया टीचर्स ट्रेनिंग, समझे, यही टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, वैक्सीनेशन। एंड तो वैक्सीनेशन जो टॉपिक है या प्रिवेंशन, तो दिस आई विल बी टीचिंग टू द ऑल इंडिया टीचर्स, अभी 20 तारीख को है क्लास, समझ में। तो इसका मतलब क्या है, उसमें भी वो लोगों का डाउट होता है कि हमारा तो मेमोरी सेल अच्छी, तो हमारा सेकेंडरी है। नो, कौन सा मेमोरी सेल है? सपोज पोलियो के लिए है तो आप क्या होगा, मतलब यू आर सेकेंडरी, बट एक्स के लिए नहीं है तो आपका क्या होगा, प्राइमरी। अंडरस्टूड? नाउ कैन यू टेल मी वैक्सीनेशन के बाद कौन सा रेस्पॉन्स होता है? अरे आप वैक्सीनेटेड हैं, क्वेश्चन तो सुन लो। अब हमने वैक्सीनेशन का टीका लगाया तो कौन सा होगा, पहले प्राइमरी होगा। तो फिर वैक्सीनेशन लगाने का क्या जरूरत था, कीटाणु दे देते, कीटाणु देना प्राइमरी है ना, क्योंकि कीटाणु मार सकता है बट वैक्सीन मार नहीं सकता, समझ रहे हो? द कीटाणु कैन किल बट द वैक्सीन विल नॉट किल, इसलिए हमने दे दिया, समझ में आया? तो बट अभी जो गौती के बॉडी में जो पोलियो वायरस कल आया था, तो उसको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, सेकेंडरी। वो ऑलरेडी पोलियो पिया हुआ है, बट अगर आप नहीं पिए होगे तो प्राइमरी, समझ रहे हो? तो ना अंडरस्टैंड, तो आप बैक टू दिस क्वेश्चन, इसलिए आप लोग बहुत खुश हो कि जाओ सर बच खासी गले हमको पच्चर ना थी, बट आप तो जानते हो जे जे सी टेढ़ा। अब आप मेरे को बोलिए, आपका ये जो इम्यून सिस्टम था, ये आपका 2000 में बना था, 2010 AD, एंड आपको लाइफ मिला था 15 साल का, ठीक है जी? नाउ आज दोबारा वायरस आया है 2020, क्योंकि 2020 तो वायरस का साल है, तो इसीलिए व्हाट इज द एक्सपायरी डेट ऑफ दिस मेमोरी सेल,
बोलिए फटाफट जल्दी, टाइम खोटी मत करो। 20-35 क्यों, उसका भी तो 5 साल बचा है ना। लेकिन सर रिन्यू आज वो रिन्यू होगा फिर से 15 को रिन्यू, तो 5 था 15 जुड़ गया तो 20 होना चाहिए ना। नहीं सर वो तो वापस स्टार्ट होगा ना, रिन्यू होगा ना। तो उसका मतलब आज फिर वो क्या होगा, अगेन वो बन जाएगा 15 साल, क्योंकि वो 15 साल ही का मिलता है। समझ में आया? सो दिस इज द केस। तो समझ में आया? तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था, बिकॉज कल हमारा आज पाकिस्तानी लोग का गाना गा रहे हैं बोलिए, सारे जहां से गंदा पाकिस्तान हमारा, हम कुत्ते हैं इसकी ये कुतिस्ता हमारा, समझे। बट कल हम लोग क्या गाना गाएंगे, सारे जहां से ओछा हिंदू सीता हमारा, कहेंगे कि नहीं। तो इसीलिए कल आपका इंडिपेंडेंस डे है तो इसलिए आप गाना गाओगे, फाइन। सो नाउ इसलिए आप याद रखेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द, मैंने इंडिया में आपका पैदा होने से आपको क्या मिला फायदा, बोलिए क्या फायदा आपको मिला, कि मेरे देश की धरती वायरस उगले बैक्टीरिया प्रोटोजोआ। तो इसीलिए आप जो रश्मि का डैडी है, गौती का जो मम्मी है, ये लोग वैक्सीन लगाने क्यों नहीं जाता है, तमर तो एक्सपायर है जीवनी। That is just because we are Indians. We are proud Indians. हमारे यहाँ इतना वायरस है, कुछ मिले ना मिले, पैथोजन मिलता रहता है। तो इसीलिए इंडियंस में ऑटो रिन्यूअल मोड है, समझे कि नहीं। जैसे जेजेस का ऑटो रिविजन होता है, इसमें आम बॉडी में ऑटो रिन्यूअल मोड होता है, समझ रहे हो। सो वी आर ऑलवेज इन ऑटो रिन्यूअल मोड। बट अगर आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्रीज में, तो जब फॉरेन कंट्रीज में आप जाएंगे तो क्या आप पाएंगे कि वहां पेरेंट्स लोग भी वैक्सीन लगाने जाते हैं। तो हमें देखो समस्या एक का संग्रह पढ़ाती, नाती बापा आओ जेजे बापा समस्त एक का लाइन रे इंजेक्शन पड़ोती है, क्यों, बिकॉज सब वैक्सीनेशन ले रहे हैं। तो इसीलिए दैट इज कॉल्ड एडल्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बट वी डोंट नीड इट बिकॉज वी आर प्राउड इंडियंस। आगे बल्ले बल्ले, अब ये जो प्लाज्मा सेल इतना बन रहा है, इसको तो आपका एक इम्यून सिस्टम एक मेमोरी सेल होने से भी वो पहचान लेगा, तो इसलिए इसको ज्यादा बनाने का जरूरत नहीं है। एंड इसको ज्यादा बनाने का जरूरत है क्योंकि वो एंटीबॉडीज बनाएगा एंड लड़ाई करेगा। Now remember, ये जो मेमोरी सेल्स है, ओके, तो प्लीज रिमेम्बर प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल, देखो कितना सुंदर उन्होंने बनाया, इसमें कोई रिसेप्टर नहीं है, क्यों बोलो सर, ये तो फाइट करने के लिए बनाया एक स्पेसिफिक एंटीजन को, इसको पहचानने के लिए बनाया नहीं गया है, तो दे आर कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बेबी। क्यों, एक ही चीज के लिए तुम एंटीबॉडी बनाओ, इधर उधर दिमाग मत लगाओ, समझ में आया। सो दैट इज कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, समझ में आया। अब आ गया ट्रम्प समझ में कि नहीं। तो इफ क्लोनिंग इज टेकिंग प्लेस फॉर ए पर्टिकुलर एंटीजन, सो दैट इज कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। बोले बोले नाउ, तो किसका लाइफ लंबा होगा इन दोनों में से, बट इसका कुछ दिन का होगा। चलिए तो ये एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया, अब आगे उधर देखा जाए, ये एलर्जन से आपका तो देख रहे हो, तो एलर्जन भी एक एंटीजन होता है, तो उसको भी एक एंटीबॉडी ने पकड़ा एंड वो बी सेल में होता है, तो इस सेल का नाम क्या है बोलो,
पॉलन मेमोरी सेल एलर्जन प्रेजेंटिंग सेल नहीं मेमोरी सेल क्या बी मेमोरी सेल समझ रहे हो चलो तो उसने भी देखा फिर एंटीबॉडी बनवाया काम खत्म तो एंटीबॉडी किसको मार रहा है गड़बड़ किया एलर्जन ने पिट बेचारा मास्क सेल रहा है बड़ा बदतमीज हो यार तुम बती आप बड़ा बदतमीज छोरा से अरे गड़बड़ करे एलर्जन मार खाए मास्क सेल क्यों भाई सर क्योंकि वो मास्क सेल के अंदर घुसे हैं नहीं सोच के बताओ एंड रश्मि नाई डियर इज इट देयर इन योर कालू बुक एंड योर एनसीईआरटी ये सब स्टोरीज नो सर तो इसलिए आप तो जजेस को लाइक करने बनता है कि नहीं सर एलर्जन अपना कुछ कंपोनेंट छोड़ दिया है क्या मास्क सेल के अंदर मेरे को डोंट आस्क मी इंटरोगेटिव आंसर्स उससे मुझे सख्त नफरत है जल्दी बताओ इसका आंसर आईजी कम करने के लिए सर आईजी कम करने के लिए शट अप और बोलो जल्दी जल्दी सोचो दही घाटो फटाफट अल्लाह ये क्या हो रहा है अरे गधा व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ एलर्जन वो क्या कॉज करेगा एलर्जी कॉज करेगा वाह यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था यार आयुष्मान तू तो बड़ा स्मार्ट छोरा से नहीं सर तो तो व्हाट इज एलर्जी में क्या होता है आपका इन्फ्लेमेशन होता है इडियट इन्फ्लेमेशन तो इन्फ्लेमेशन करेगा कौन सेल बेसोफिल सेल तो समझ रहे हो इसको घूम देखो हमें इस चीज से कोई प्रॉब्लम ना से हमें इससे प्रॉब्लम से तो इसको बंद कर दो ये जितना मर्जी घूमना है घूमे लेकिन नहीं अब आप जो रश्मि है वो चासी है अब चासी तो पॉलन ग्रेन को देखेगा ही देखेगा तो पॉलन ग्रेन उसके लिए नया चीज थोड़ी है बट वो अपना डैडी को मदद करने नहीं जाता है क्यों उसको एलर्जी है तो इसलिए एक्चुअली अगर हम मास सेल को इनहिबिट कर दें तो क्या होगा आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं होगा इसको घूमने दो तने की प्रॉब्लम्स है तो इसके घूमने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम इसके आने से है तो ये नहीं आना चाहिए आया समझ तो देख रहे हो ये सब जिनसे तुम्हारा कालू राशी की नहीं अब आ जाइए सो धीरे धीरे तो देखो आप देखिए ये सब्सिक्वेंट एक्सपोजर है तो जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा तो क्या होगा एलर्जेंस अटैच टू मास्क सेल वो डायरेक्टली उसको क्या करते हैं एक्टिवेट कर देते हैं तो ये हमको रोकना है तो मास्क सेल रिलीजेस एलर्जिक मेडिएटर्स तो इसीलिए हमें इसको बनने से रोकना है समझ रहे हो तो बी सेल इज एक्टिवेटेड इनिशियल इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड करता है जैसे ही एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड करता है वो इसको पहचानता है तो कल क्या होगा जब पैथोजन आएगा वो डायरेक्टली मास्क सेल के साथ चिपक जाएगा समझ में आया तो ये देखे कितना सुंदर कंसेप्ट है एंड अब इधर आ जाइए ये एमएचसी है तो यहाँ एंटीजन प्रेजेंटेशन कौन कर रहा है बी सेल अब इधर हम लोग एमएचसी का ले रहे हैं एमएचसी प्रोटीन्स तो इधर देखिए ये आपका एक सेल है उसमें आपका बैक्टीरियम आया ओके तो बैक्टीरियम के ऊपर एंटीजन है ये मैक्रोफेज है तो ये एमएचसी है तो आप एमएचसी प्रोटीन मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स अब उसमें आके एंटीजन बाइंड कर दिया तो जैसे ही उसने एंटीजन बाइंड किया तो क्या हुआ बोलो क्या हुआ तो जैसे ही उसमें एंटीजन बाइंड किया आपका एमएचसी प्रोटीन जो है अब वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड वो हेल्पर टी सेल को बुलाएगा तो हेल्पर टी सेल उसके साथ बाइंड किया एंड आपको तो पता है हेल्पर टी सेल बदतमीज होता है वो दोनों को बता देगा उसने
है मेमोरी टी सेल बनाया एंड आपका इफेक्टर हेल्पर टी सेल बनाया, तो ये मेमोरी कल के लिए है। ये जो इफेक्टर टी सेल है ये फिर आगे जाके क्या करेगा, ये सेल मीडिएटेड करेगा एंड ये ह्यूमरल मीडिएटेड करेगा। माने यही हेल्पर टी सेल अगर टी सेल को एक्टिवेट करता है किलर को, तो वो आप उसको मार देगा। अगर वो बी सेल को बताता है तो वो मेमोरी सेल्स करता है। समझ रहे हो? ये सब मैंने आपको ऑलरेडी आई टॉट यू व्हेन आई वाज टीचिंग यू ब्लड सेल्स। तो अगेन इसको देखिए, पैथोजन आया, पैथोजन में जो प्रोटीन्स था वो एमएचसी के साथ बाइंड किया। जैसे तो एमएचसी होने का मतलब क्या है, एंटीजन को उसने पकड़ लिया, इसने एंटीजन को पकड़ लिया, अब वो डिस्प्ले कर रहा है। तो डिस्प्ले करने का मतलब अब ये मैक्रोफेज क्या बन गया, बोलो व्हाट इज नाउ दिस मैक्रोफेज डूइंग सर? अब इस मैक्रोफेज का नाम क्या हो जाएगा सर? ये एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्या घंटा भर दिमाग लगा रहे हो, तो समझ रहे हो? ये मैं आपको अलग अलग तरीके का एंटीजन प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ बेवकूफों। तो इधर एंटीजन प्रेजेंटेशन बी सेल कर रहा है, इसके पहले एंटीजन प्रेजेंटेशन बी सेल कर रहा था, इसमें एंटीजन प्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? मैक्रोफेज। तो इसलिए इस तरह का एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या चाहिए, एमएचसी प्रोटीन। तो समझ रहे हो? तो ये जो एमएचसी प्रोटीन के साथ एंटीजन बाइंड किया, अब वो लेके दिखा रहा है, ए, देख रहे ये आशीष जी। तो अब आपका टी हेल्पर से लाकर उसको पहचान रहा है। अच्छा अब उसको एनालिसिस कर रहा है। तो एनालिसिस कर देखो, एट द लिम्फ नोड हेल्पर टी सेल्स रिकॉग्नाइजेस एंड बाइंड्स टू द मैक्रोफेज। ठीक है, जैसे बाइंड करेगा अब वो जाग गया। आसी गला रे रश्मि, क्या चकलो? बोलो हॉकी। तो चकलो हॉकी, तो समझ गया। तो अब ये जो है मेमोरी सेल है, चुप रहो। हाँ तो ये आपका मेमोरी। तो अब इधर जो ये जान गया, इमिडिएटली डिवाइड करके दो सेल बन गया, वन ऑफ देम क्या बन गया, मेमोरी सेल मैक्स। तो इसका रिन्यूअल कब तक का हो जाएगा? 15 साल 235। सो अब इसका एक्सपायरी डेट क्या हो गया, इसका एक्सपायरी डेट सपोज 2025 था, तो इसका एक्सपायरी डेट क्या हो गया अभी 2035। कौन? हाँ, तो वो 2035 है। तापरे उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, ये समझ में आया? अब हम लोग नीचे जाते थे, गेट तक खोला से करीब है, तो तापरे एटा हो चीज जा खोल दे लो अंकल ये ने। So, उसके बाद आ जाएगा ये, तो आप वो दोनों को बताएगा। तो ये जो साइटोकाइंस रिलीज कर रहा है, ये साइटोकाइंस बताएगा किसको, दोनों को। अरे आसिला रे। तो आप एक्टिवेटेड टी सेल क्या होगा, तो एक्टिवेटेड टी सेल क्या होगा, वो उसको मारने का जुगाड़ करेगा, वो उसको मारने का जुगाड़ करेगा। कैसे मारेगा? किलर। साइटोटॉक्सिक का मतलब क्या है? किलर, मारो। तापर ह्यूमरल इम्यूनिटी को ये स्विच ऑन करेगा। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करेगा, वो आपका एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज बैक्टीरिया को मार रहे हैं एंड ये फिर क्या हो गया, मेमोरी सेल। इसका लाइफ, इसका एक्सपायरी क्या हो गया, 20। कोई शक? सर, इसका मतलब अगर सर कोई पैथोजन, बोलो बोलो सर, अगर कोई पैथोजन सर हमारा
एपीसी को टारगेट करेगा तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। एपीसी को टारगेट कैसे करोगे? हेलो सर, हाउ विल यू टारगेट एपीसी? देखो वो तो सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, हमने पुलिस और आर्मी को रखा है तुम्हारे बचाव के लिए। अब अगर आप तुम पुलिस को मार दोगे तो तुम मरोगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं। सेम थिंग, इट इज द सेम कंसेप्ट। आपका आर्मी पुलिस आपके बचाव के लिए है। आप टेररिस्ट लोग क्या करता है पाकिस्तान जानीची तुम इंडिया को पारिबिनी, तो उनको उलझाए रखो। तो कैसे उलझा के रखें? उनको टेररिज्म करते रहो। तो अब एक तो आया फिदाइन आके एक तो बम फेंक दिया, आपका जो पुलिस का वैन जा रहा था पुलवामा में वो फट गया, 45 लोग मर गए। फैंटास्टिक, दिक्कत क्या है? तो समझे, तो ये लोग धीरे धीरे इस तरह करेंगे तो क्या होगा, पूरा मशीनरी काम दाम छोड़कर अब उनके पीछे लगेगा। अब आप खुद सोचो, इतना बड़ा कश्मीर है उसमें एक आदमी जाके कहीं छुप जाता है तो डू यू थिंक उसको ढूंढना आसान है? एंड दैट टू उसमें वो ऑल उनको मदद करते हैं। ओके, तो वो सब उनको मदद करते हैं, बट उसके बावजूद वो क्या करता है, वो माने द आर्मी सर्चिंग, तो नाउ आर्मी पूरा काम छोड़कर टेररिस्ट ढूंढ रहा है। तो अब व्हाट विल हैपन? तो वो लोग और एस्केलेशन करेंगे, इस तरह से चल रहा है आपका। तो इसलिए इफ योर इम्यून सिस्टम इज अटैक तो यू विल डाई, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। फाइन, तो यस सर, यस सर, तो यही हमारा एक्शन है, समझे? तो देख रहे हो कितना अलग अलग तरह का मैंने आज आपको दिखाया, बट फिर भी आप एक तो थैंक यू मैं को नहीं बोलते। देख रहे हो ये सब क्लोनल सिलेक्शन है। एंड साइलेंट मॉन का कंप्लेन क्या करता है कि सार हमको डाउट पहुंचा ले सॉल्व करना। अब आप खुद सोचो, एक क्लोनल सिलेक्शन तुम जो पूछा उसने आज का दिन खा गया। अब यहाँ देखिए, ये भी एक और तरह का है, ये कैंसर सेल है। तो कैंसर सेल कुछ एंटीजेंस बना रहा है, उसको टी सेल पकड़ लिया। ओके, तो टी सेल पकड़ लिया एंड वो टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज कर रहा है एंड वो जाके उसको मार देगा। एक्चुअली व्हाट इज दैट टॉक्सिक केमिकल जो टी सेल बनाता है, बोलो? ये सब मैं आपको बता चुका हूं। तो टी सेल आपको क्या बनाता है? परफोरिन, ठीक है? तो दीज टॉक्सिक केमिकल्स आर एक्चुअली कॉल्ड परफोरिन्स। परफोरिन्स ये क्या करेगा? छेद कर देगा। तो जैसे ही छेद कर देगा ये फट गया, देख रहे हो, इसने होल कर दिया एंड ये फट गया। तो रैपिड एंडोस्मोसिस होगा एंड द सेल विल बर्स्ट। तो देख रहे हो, तो ये आपका कैंसर का कंसेप्ट है। फाइन, तो ये कैंसर सेल है। तो साइटोटॉक्सिक से बाइंड टू कैंसर सेल्स, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज एंड उसको लाइज कर दिया गया, ठीक है जी? तो लाइक दैट। तो ये कितना अलग अलग तरह का मैंने आज आपको क्लोनल सिलेक्शन दिखाया। अब ये देखिए एक और, देखो ये बैक्टीरिया, देखो ये वुंड है, ये प्राइमरी इम्यून सिस्टम है, प्राइमरी डिफेंस। देख रहे हो स्किन है, ये आपका जो एपिडर्मिस है ये डर्मिस है, ये डेड सेल्स ऑफ एपिडर्मिस है, या ब्रीच है, एक इंजरी है, तो वहां से बैक्टीरिया अंदर घुसा। तो जैसे ही बैक्टीरिया अंदर घुसा तो किसने लपेट लिया? एंटीबॉडी कोटेड बैक्टीरियम। तो आपका जो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं वो उसको लपेट लिए। जैसे ही लपेट लिए, अब वो दो जगह मार एक्टिवेट करता है। एक उसने पॉइंट नंबर वन, उसने किसको दिया, किसको बोला, तो बोलो उसने खबर किसको दिया? आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने किसको बोला? मास्क सेल को। मास्क सेल को। उसी तरह से आप वो डायरेक्टली इस सेल को बोल रहा है। ये कौन सेल है? न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल उसको खा जाएगा, है ना, वो गिल जीव। तो इसीलिए व्हाट इज द नेम ऑफ दीज एंटीबॉडीज, बोलिए? इनको हम कहते हैं ऑप्सोनिन, समझ रहे हो? इन्होंने पहचान करा दिया कि ये शत्रु है, तो बुझियो ला। तो ऑप्सोनिन सैक्रिफाइस देमसेल्फ फॉर द सेफ्टी ऑफ द बॉडी। तो ऑप्सोनिन ने बताया कि ये जो है ये पैथोजेन है,
समझ रहे हो? तो आप न्यूट्रोफिल किसको पहचानता है? न्यूट्रोफिल किसको पहचानता है? ऑप्सोनिन को। यस, वो बैक्टीरिया को नहीं पहचानता है, वो ऑप्सोनिन को पहचानता है। वो गया ऑप्सोनिन गुड़ा गिर दला, तो जिमिति ऑप्सोनिन गुड़ा को गिर दला, तो अब ऑप्सोनिन बैक्टीरिया अंदर आया, उसको हम लाइसोसोमल एक्टिविटी से हजम करेंगे, फिर ईफेजी करेंगे, लैटिन करेंगे। ये देख रहे हो, ये ईफेजी हो रहा है। ओके, उसी तरह मास सेल्स ने हिस्टामिन रिलीज किया, हिस्टामिन से डायलेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज हुआ, उससे एक्स्ट्रावेसेशन होगा। तो अब डायलेट होगा कैपिलरी, तो पोर साइज बड़ा हो जाएगा, पोर साइज बड़ा होने से आपका जो सेल है वो बाहर चला जाएगा, फैगोसाइटिक सेल, तो इट विल गो आउट। तो देखिए कितना सुंदर है, एंड आप चाहते हो कि जेजेस आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाए। अब आप खुद सोचो, ये सब किस एनसीईआरटी में दिया है? तो आज आपको कितना प्रकार का क्लोनल सिलेक्शन मैंने दिखाया, तो आज का जो हमने वीडियो बनाया, ये जितना दिन देखोगे उतना मजा आएगा, क्योंकि ये तो आपको प्रिंट नहीं दिया जा सकता है ना, तो लाइक दैट, तो क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा बड़ा है, इसको प्रिंट करना मुश्किल है, तो समझ रहे हो? तो इमेजिन द ब्यूटी ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। सो दिस इज व्हाट द इवेंट्स इन लोकल इंफ्लामेशन, देख रहे हो? तो ये इंफ्लामेशन में ऐसा हो रहा है। ओके, चलिए अब ये सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो एक्चुअली आरईआर, अभी मैं सेल में ईआर पढ़ा रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ क्या ज्यादा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वाई 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 सर, एंटीबॉडी प्रोटीन है ना सर, एंटीबॉडी सिंथेसिस हो रहे हैं, वो प्रोटीन है। तो आप सुनो, तो अब आप बोलिए जेजेस का सेल अट्रैक्टिव है ना कंसेप्चुअल क्लासिकल साइटोलॉजी, तो इसको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कहते हैं, क्योंकि देखो कितने सुंदर से चित्र कर दो रश्मि, प्लीज रेस्पेक्ट दिस डायग्राम्स। देखो कोई जरूरत है उसको ईआर बनाने का? वो तो एक जनरली आम माने सेल रे न्यूक्लियस करके छाड़ दो। तो ये देखो कितना सीरियसली उन्होंने इस चित्र को लिया है, कि उन्होंने ईआर बना के दिखाया है, एंड दैट टू आरईआर बना के दिखाया है। क्यों दिखाया है आरईआर बना के? ताकि पता चले कि ये एंटीबॉडीज कहां से आया है। एंड आप देखो, आप इस तरह का चित्र को एंजॉय रेस्पेक्ट नहीं करते हो, एंड यू रेस्पेक्ट दैट सिंपल बुक। लेकिन आप सोचो तुम लोग का क्या हाल है। एंड सो ऑन, ये एक और रिस्पॉन्स देखो कितने सुंदर डायग्राम। ये एचआईवी साइकिल है, ये आपका इनेट रिस्पॉन्स, ठीक है? उसके बाद ये आपका एनाटॉमिकल बैरियर, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर आपका ये अडेप्टिव रिस्पॉन्स है या स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो उससे CMIS भी एक्टिवेट होता है, AMIS भी एक्टिवेट होता है, एंड सो ऑन। ये प्राइमरी देखो, ये आपका मजा देखो, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है। कितना दिन खा रहा है? कम से कम 10 से 12 दिन खा रहा है। ओके, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स धड़ाक से होता है, ओके, आवर्स ऑफ द डे में काम हो जाता है, फाइन। सो दिस इज द केस। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स रिक्वायर्स सेवरल प्लेयर्स, इट कुड टेक डेज और वीक्स फॉर द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस हाई नंबर ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज टू टारगेट द पैथोजेंस। और सेकेंडरी में क्या है, ऑलरेडी इनको देखते ही हमने मेमोरी सेल ने देख लिया, एंड उसने फटाफट पहचान लिया, देख लो ये बैक्टीरिया असिला, ये मेमोरी सेल घूम रहा है। जैसे ही मेमोरी सेल को पता चल गया ये पैथोजन है, तो पैथोजन क्या हुआ, वो उसको पकड़ लेगा। जैसे ही उसको पकड़ लेगा, उसने प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट कर दिया एंड मेमोरी टी सेल को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है? तो प्लाज्मा सेल क्या करेगा, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, मेमोरी टी सेल क्या करेगा, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड। पर इधर देखो सब है, हेल्पर है, प्लाज्मा सेल है, मैक्रोफेज है, सब बैठे हैं, पर किसी के पास भी उसका पहचान नहीं है। इसलिए पहचान पहले करो, पहले देखो कि उसके किस चीज के खिलाफ हम एंटीबॉडी बना सकते हैं, उसके बाद एंटीबॉडी बनाओ, उसके बाद सबको बताओ, उसके बाद उसको मारो। तो इतने में सारा एनर्जी खत्म हो जाएगा, ज्यादा एंटीबॉडी नहीं बनेगा। इसलिए प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स टेक्स मोर टाइम, बट रिस्पॉन्स इज वेरी स्लो। बट सेकेंडरी इम्यून सिस्टम टेक्स लेस टाइम, बट रिस्पॉन्स इज वेरी फास्ट।
तो देख रहे हो, तो द इम्यून रिएक्शन टू द सेकेंडरी एनकाउंटर मेमोरी बी सेल्स डिवाइडेड इनटू प्लाज्मा सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीजन। तो आप देखो जब एडा होची मेमोरी बी सेल, तो ये सब देखो ये सब क्लास वर्क है ओके। मेमोरी बी सेल प्लस पैथोजेन इज इक्वल टू क्या, मेमोरी बी सेल प्लस प्लाज्मा सेल, नहीं सोच के बताओ सब तो मैं बुझु ना किछ सेडा होची प्रॉब्लम। तो मेमोरी बी सेल प्लस पैथोजेन इज इक्वल टू पर्टिकुलर एपीसी, तो पर्टिकुलर ये पहचान लिया ना उसको, पर्टिकुलर एपीसी। पर्टिकुलर एपीसी क्या होगा, माइटोसिस करेगा ओके एंड बनाएगा टू सेल्स, कौन कौन सा, अगेन पर्टिकुलर बी मेमोरी सेल प्लस पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर प्लाज्मा सेल है कोई और नहीं, तो पर्टिकुलर प्लाज्मा सेल। तो अब ये पर्टिकुलर ये मेमोरी सेल क्या हो गया, ये मेमोरी सेल 2035 के लिए रिन्यूअल हो गया एंड ये प्लाज्मा सेल क्या करेगा, प्रोड्यूसेस प्रोलिफरेट, हाँ नहीं हाँ प्रोलिफरेट।